वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सलाम अलैकुम। आज हम भाई साहब मानवता चैनल पर तीसरी एपिसोड के रूप में हाजिर हुए हैं और इस एपिसोड में जो हमारा भारतीय संविधान के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारे बीच में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एडवोकेट संतोष साहू साहब। बहुत बहुत स्वागत है साहब भाई साहब मानवता चैनल में आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो जिस ढंग से हमारे देखने सुनने वालों को ये लगातार कमेंट और जो विचार आ रहे हैं उससे जागरूकता बढ़ी है और भारतीय संविधान के संदर्भ में जो पिछली बार हम लोगों ने उसकी प्रस्तावना और कल उसकी मुख्य स्रोत और उसकी शक्ति के बारे में चर्चा की, आज हम भारतीय संविधान की संविधान सभा के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। और जिस ढंग से भारत के इस संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, एक महान ग्रंथ के रूप में कहा जाता है, और इसको बाबा साहब ने अपनी अथक मेहनत और परिश्रम के बदौलत ही कर पाए, क्योंकि जब संविधान निर्माण की बात आई और भारत के बुद्धिजीवी लोग विदेशों में बुद्धिजीवी खोजने गए तो विदेशी को लोगों ने कहा, अरे आप दुनिया में बुद्धिजीवी खोज रहे हैं, आपके इंडिया में पड़ा हुआ बुद्धिजीवी के पास आप जाएं, क्योंकि उससे बड़ा विद्वान इस दुनिया के अंदर में कोई है नहीं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तब वहाँ जो भारत के बुद्धिजीवी शख्सियत थे उस समय राजनीतिक नेता, वो लौट के आए और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जा करके उनसे विनती किए और ये सारी बातें शुरू हुई। बहरहाल इसके चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संतोष साहू साहब, क्योंकि भारत का संविधान एक विशाल संविधान है और इसकी विस्तृत जानकारी पूरे भारत के जन जन को होनी चाहिए, क्योंकि भारत के बहुत संख्यक समाज जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो करोड़ों करोड़ों की संख्या में है। तो बहरहाल हम भारत के संविधान सभा के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। मैं सर्वप्रथम भाई साहब मानवता के सभी टीम, माननीय जगदीश सतनामी जी और सीओ माननीय मेघराज सिंह जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इतना खास विषय, जिसको भारत के एक एक लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और याद होना चाहिए, ऐसे खास विषय पे अपनी कार्यशाला और ये चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अपना धन्यवाद। जैसा कि आपका सवाल है कि संविधान क्या है, संविधान सभा क्या है, दो बात आ गई। संविधान सभा का आधार क्या है, इसके सदस्यों को चुनने का आइडिया कैसे आया, इन सदस्यों को कैसे चुना गया और इन सदस्यों की संख्या समय के अनुसार कैसे घटते गए, ये संविधान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर आपका एक बहुत खास ये चर्चा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे पहले 1789 को संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का संविधान लिखित रूप से अस्तित्व में आया दुनिया के अंदर पहली बार। जी जी। दूसरा, एशिया महाद्वीप का लिखित संविधान जापान का आया 1860 को। उस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का चल रहा था, उसके 3 साल बाद जापान का लिखित संविधान अस्तित्व में एशिया महाद्वीप में आया, दूसरे नंबर पर। इसी तरीके से भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ संविधान अगर दर्जा दिया गया है तो भारतीय संविधान को दिया गया है। और भारत का संविधान से पूरा भारत चलता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के संसद का गठन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधानसभा है, संख्या के अनुपात में सदस्य हैं,
भारत के संविधान के आधार पे सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और न्यायालय का गठन है। और भारत के संविधान के अनुसार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है। तो देश में जो भी चीजें चल रही हैं, हो रहा है, और पूरा भारतीय संविधान के दायरे में कानून का पालन करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, तो भारत का संविधान ही वो समस्त कानूनों का स्रोत है। तो इस वजह से भी भारत के संविधान के ऊपर चर्चा जो चल रहा है वो मैं समझता हूँ बहुत खास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा में कुल सदस्य जुलाई 1946 में 389 थे। 389 सदस्य में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 93 देसी रियासत से थे। इसके बाद जून 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई, ये कुल 324 सदस्य रह गए, उसमें 235 ब्रिटिश प्रांत से रहे और 89 देसी रियासत से रहे। इसके बाद फिर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटी, कब, दिसंबर 1947 में कुल सदस्य 299 रह गए, उसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देसी रियासत से थे। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 389 जो पहली बार 1946 जुलाई और अगस्त के बीच में सदस्य थे, उसमें 213 सामान्य थे और 79 मुस्लिम थे, 73 और 4 सिख थे। इस तरीके से ये संख्या बढ़ जो था उससे घटता चला गया भारत के विभाजन के कारण। तो एक ये बात है। दूसरा जो बात है कि इस देश में ये जो संविधान को लेकर बहुत सारा चर्चा आए दिन होते रहता है, इस देश में मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि एक बात होता है, दो पक्ष हो जाता है। एक पक्ष भारत रत्न महामानव ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जो कार्य है उससे एकदम वो विलोपित करना चाहते हैं, उनका ये प्रयास दिखाई पड़ता है आए दिन। दूसरे वो लोग इस देश में महामानव भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का रचयिता मानते हैं और बहुसंख्य लोग अपना मसीहा मानते हैं। ये दो बातें। पर जो खास बात क्या है कि एक्चुअल संविधान सभा एक ऐसी कमेटी थी जिसे भारतीय संविधान को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें शुरुआती दौर पे जैसा कि मैं आपको बताया 1946 का प्रथम जो दौर आया 389 सदस्य और आखिरी 1949 में 299 सदस्य रह गए थे। तो एक बहुत बड़ा इसमें देश भर के अत्यंत विद्वान लोग रात दिन परिश्रम किए, सैकड़ों लोग, इतना आसान नहीं था संविधान को बनाना, उसके पीछे सैकड़ों लोगों का बहुत मेहनत है उसको जानने समझने और एक दूसरे को ये गंभीर बात बताने की जरूरत है, जैसा कि आपके माध्यम से किया जा रहा है। ये ब्रिटिश प्रांत क्या था, भारत में उस समय 11 प्रांत थे, उसमें 1946 में अंग्रेजों के द्वारा चुनाव कराया गया था, विधानसभा का असेंबली का चुनाव हुआ था, उसमें 1585 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के और उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला लाया गया, जैसे वर्तमान भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है, ऐसा ही संविधान सभा सदस्यों का चुनाव पहली बार ब्रिटिश इंडिया में चुनाव हुआ असेंबली का, और असेंबली में 1585 सदस्य चुने गए, 1585 सदस्यों में एक सदस्य लगभग 1,000,000 लोगों के बराबर माना गया, तो ये आंकड़ा आया 292। तो ऐसे देश भर के चुने हुए बुद्धिजीवी लोगों का ये
चुने हुए लोगों के द्वारा चुने गए और संविधान सभा का पहला गठन 11 नवंबर 1946 को हुआ। ये बात याद रखना चाहिए, संविधान सभा का गठन 11 नवंबर 1946 को हुआ और संविधान सभा का पहला बैठक भारत में 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ 46 में, और तीसरा महत्वपूर्ण जो बैठक और कार्रवाई शुरू की गई 13 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए। और भारत में एक जो बड़ा बात आता है ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसका गठन भारत में 29 अगस्त 1947 को किया गया। 1947 उसमें 7 सदस्य थे, उसके चेयरमैन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे और उसमें अन्य 6 और सदस्य। तो इस तरीके से भारत के संविधान को सभी देश के लोगों ने बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनके कार्य को शब्दों से हम जैसे लोग नहीं बोल पाएंगे, उनके लिए शब्द भी कम पड़ेंगे, बहुत बड़ा उनका योगदान है। और ये आरोप लगाया जाता है कि भारत का संविधान कई देशों का नकल है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के संविधान को बनाने के लिए सभी चुने गए सदस्यों के द्वारा खुले दिमाग से कि विश्व का सबसे अच्छी बातों को हम भारत के संविधान में कैसे शामिल करें, ताकि भारत सदियों से गुलाम रहा है, इस गुलामी से हमें आजादी मिल रही है, तो हमें उत्तरोत्तर भारत का विकास करना है सभी को साथ लेकर। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि भारत का संविधान कई देशों का नकल है, संविधान को कई जगह आप सुनते हैं कि बाबा साहब के लिए बड़ा अपमानजनक शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत के संविधान सभा में 16 कमेटी थी, 16 कमेटी में एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी था, उसमें संघी कमेटी थी, उसको चलाने वाली कमेटी थी, 16 कमेटी थे, और 16 कमेटी में सिर्फ एक कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, 5 कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, अन्य और भी विद्वान जनों को उन कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया था, हर कमेटी में अलग अलग सदस्य थे। इस तरीके से बड़े मशक्कत के बाद भारत का संविधान इस रूप में आया है, और इसमें उस समय लगभग 70 लाख रुपए खर्च हुए, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान तैयार जी हुआ। साहू जी, मैं इसमें एक शब्द और आपका मैं रखना चाहूंगा इसमें, कि मेंबर और कमेटी के सदस्य तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन बाबा साहब के कंधों पर ही आ पड़ी थी। ये बात सच है कि लोग बाग उसके मेंबर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कई लोगों का रोल इसमें एक मेंबर के रूप में ही रहा, लेकिन अधिकांश रूप से जो दारोमदार बाबा साहब के कंधे पर ही आया और उनके द्वारा ही ये संविधान का निर्माण हो पाया। हमारे बीच में बृजेंद्र सिंह जी दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम सर। जय भीम सर। सर, हमारी चर्चा आज संविधान की के संदर्भ में ही चल रही है जी, और जी। तो अभी साहू जी ने अपनी विचार रखे, मैं उनका जो उसमें जो मेंबर और कमेटियां जो बनी हुई थी उसके संदर्भ पे साहू जी अपने विचार रख रहे थे, मैं उनकी ही बातों को आगे बढ़ाते हुए आपके पास जाना चाहूंगा। और जो जिसमें जितने भी उसमें जो कमेटी थे या जो उसके साथी थे, उसमें अधिकांश लोगों का जो सहयोग रहा ये तो जग जाहिर है, लेकिन संपूर्ण संविधान के इस रचना करने में जो इसकी शिल्पकार के रूप में उन्हें जाना जाता है, इस संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने इस संविधान को
बनाने में उन्हें 2 साल 11 माह 18 घंटे का कितने का समय लगा, इस संदर्भ में उसकी व्याख्या करें ब्रिजेंद्र सिंह जी। मैं साहब, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ इस मामले में आप ही लोगों को सुनना चाहूंगा, कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, मुझे कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है इस मामले में। अच्छा जी, बहरहाल हमारे साथ सुधीर मेश्राम जी हमारी बात सुन रहे हैं। सुधीर मेश्राम जी मेरे ख्याल से अपडेट नहीं है। तो साहू जी, हम आपके पास जो अभी चर्चा अधूरी रह गई थी उसी को आप आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपनी बात को पूरी करें। जैसा कि आप के द्वारा कहा जा रहा था कि संविधान सभा में सबसे बड़ी भूमिका भारत रत्न महामानव ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रहा है, यह निर्विवाद रूप से सत्य है। पर संविधान बनाने का जो आधार है वो है कैबिनेट मिशन योजना, जो 19 फरवरी 1946 को लंदन में घोषित किया गया। क्योंकि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मजदूर सभा के से लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री माननीय इलियट थे, और उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 3 सदस्य, और वो 24 मार्च 1946 को भारत आए और 16 जून 1946 को उन्होंने छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वायसराय थे उनके पास, कि भारत में अब संविधान सभा के लिए चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तब भारत में भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो घोषित कर दिए, उस समय भारत में 2 पार्टी थी, एक कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग, दोनों पार्टियों को कह दिया गया और जो भी पार्टियां थी कि आप चुनाव के लिए अपनी तैयारी करें। और भारत में जून 1946 से लेकर अगस्त 1946 के बीच में चुनाव कराया गया, उस समय ब्रिटिश प्रांत से 1585 सदस्य चुनकर आए, 4 जो उस समय शब्द प्रयोग किया गया जो कमिश्नरी शब्द आया है उससे 4 सदस्य आए, और 93 देसी रियासत के लोग हैं। तो उसका आधार कैबिनेट मिशन है, और कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में फिर पहली बार विधानसभा का चुनाव अंग्रेजों के द्वारा कराया गया, और चुने हुए लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, और उस समय 1 सदस्य के पीछे 10 लाख लोगों का लगभग एवरेज माना गया। तो 1585 से सिर्फ 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य आए, 4 कमिश्नरी के लोग आए, और ये देसी रियासतों को उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपना प्रतिनिधि अपने से भेजें। तो इस तरीके से भारत में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया, और संविधान सभा का चुनाव होने के बाद 3 जून 1947 को आधिकारिक रूप से भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास हो गया, 3 जून 1947 को। तो जो चुनाव हुआ था, जो संविधान सभा सदस्य थे वो पाकिस्तान के रूप में जब देश का आधिकारिक रूप से बंटवारा हो गया तो संविधान सभा सदस्यों की संख्या घट गई भारत में, जो लोग थे वो सिर्फ 324 भारत में बच गए, बाकी पाकिस्तान में चले गए। तो फिर से इस देश में 30 अक्टूबर 1946 को 1947 को आधिकारिक रूप से फिर से संविधान सभा का जो सदस्य थे तो गठन हुआ। इस तरीके से ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है संविधान बनाने की प्रक्रिया, जैसे लोग चर्चा करते हैं इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर सैकड़ों लोगों का बहुत परिश्रम की बात है। फिर भी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में, जैसा कि मैं फिर से अपनी बात को संक्षेप में रिपीट करूंगा, कि जुलाई 1946 में 389 सदस्य थे कुल संविधान सभा में,
और उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी के थे और 93 देसी रियासत के थे। इसके बाद जून 1947 को इस देश में 324 सदस्य बच गए, उसमें 235 ब्रिटिश प्रांत के थे और 89 देसी रियासत के थे। इसके बाद फिर से जब गठन हुआ तो दिसंबर 1947 में मात्र 299 सदस्य रह गए, उसमें 229 ब्रिटिश प्रांत के और 70 देसी रियासत के सदस्य थे। और इस बात को आपके द्वारा जो बहुत खास चर्चा है, जैसा कि आपने सवाल किया कि संविधान सभा है क्या, संविधान सभा का आधार क्या है, इनके सदस्यों को चुनने का आइडिया कैसे आया, इन सदस्यों को कैसे चुना गया, इन सदस्यों की संख्या समय के साथ कैसे घटती गई, ये जो सारा बात आपके द्वारा उठाया जा रहा है ये निरंतर चर्चा का विषय है। और मैं आपको संविधान सभा को लेकर बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान भारत के समस्त कानूनों का स्रोत है। भारत में दो बात है, एक आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, और दूसरा भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुसूची हैं, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सौंपा गया उस समय 8 अनुसूची थे। और एक बात और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान जब संविधान सभा चल रहा था और संविधान सभा के अंदर संविधान का जो प्रारूप आया, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से आया, वो 7700 कुछ ड्राफ्ट किए थे। वो संविधान सभा में तीन सेशन चलाए गए, कुल 114 दिन तक भारत के संविधान के प्रारूप के ऊपर बहस हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 395 अनुच्छेद को शामिल किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू साहब। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आप संतोष साहू जी की बात को सुन रहे थे, चूंकि आप बहुत ही अनुभवी और आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर ही रहे हैं, बहुत आपका कार्य का अनुभव है, और जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को संवैधानिक रूप से उन्हें नियुक्त किया जाता है, ये भी संविधान का अंग है। इन इन तमाम बिंदुओं पर जो संतोष साहू जी ने जो चर्चा की है, उन्हीं के विचारों को लेकर हम आपके पास जाना चाहेंगे। और जो जिस ढंग से भारत का जो संविधान का जो नियम कानून है उस पर हम आज विस्तार से लगातार एपिसोड के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं, हम आपके पास इसी बात को विस्तार से आपके पास जानना चाहेंगे जो संतोष साहू जी ने अपनी बात रखी। मैं एक बड़ा ज्ञान वर्धक वर्धन हुआ मेरा साहू जी की बात सुनकर के, इतना काफी डिटेल में उनको जानकारी है। मैं ये जानना जरूर चाह रहा था कि इसमें बैकवर्ड क्लास के 299 जो रह गए थे उसमें बैकवर्ड क्लास के कितने मेंबर थे, कुछ इसमें जानकारी हो सकती है हम लोगों साहू जी से? कांग्रेस चूंकि ओबीसी के लोगों को टिकट नहीं दिया तो 3 सदस्य, 2 महाराष्ट्र से थे, 1 पंजाब से थे, 3 कांग्रेस के विरोध में चुनकर आए थे। चूंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, विभाजन के बाद कांग्रेस के तरफ से 208 सदस्य चुने गए थे, और उसमें जो 3 सदस्य थे वो कांग्रेस के विरोध में चुनकर आए थे, तो 3 ही ओबीसी के लोग थे, और वो लोग संविधान सभा चलता था तो चुप बैठे रहते थे। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि जब कई दिन के बहस में चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो उनको महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपने दिल्ली निवास में चाय पे बुलाए, और बाबा साहब के यहाँ जब वो आए तो बाबा साहब ने उन्हें कहा कि आप संविधान सभा में अपनी बात कुछ रखते नहीं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हमारा कौन सुनेगा, तो बाबा साहब ने कहा यही बात आप रख दो कि हम बोलते थे हमारा कोई सुनता नहीं था, आपके आने वाली पीढ़ी जब संविधान सभा के सेशन का अध्ययन करेगा, संविधान सभा कैसे चलता था, उसमें क्या बातें आती थी, वो सारा रिकॉर्ड में रहेगा, तो आपकी आने वाली पुस्तें इन बातों को समझ पाएंगी। तभी बाबा साहब ये जो 3 लोग थे
ये बात जब समझाया तो तुरंत सरदार पटेल जी को पंडित नेहरू जी के माध्यम से जानकारी चली गई कि संविधान सभा में ये जो बात चल रहा है, तब वो गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से ये बात आए लाया गया बाबा साहब को, ये कहा गया कि हम इस देश में पिछड़ा तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मानते हैं, आप और कौन से बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। तब बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत खास बात को उठा रहे हैं और उन्होंने भारत के अनुच्छेद 340 में ही ये बात डाल दिया कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह ये कौन लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े हुए। तो ये बहुत खास सवाल आपका रहा, ये बहुत गंभीर बात है जी। हाँ, मैंने ये इसलिए कहा कि जो भी ओबीसी था 50% से ऊपर था, और कांग्रेस का ये दावा था, गांधी जी उसके सबसे बड़े लीडर थे, कि बैकवर्ड क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही बात उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को इरिलीवेंट बनाने की कोशिश की थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बाबा साहब को ये कहना पड़ा था कि ये एक गैर जिम्मेदार एक इरेस्पॉन्सिबल कंडक्ट है ये गांधी जी का। वास्तव में हकीकत ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, वो मूवमेंट ही बेसिकली ओबीसी का था, क्योंकि महात्मा फूले, पेरियार, साहू जी, यही लोग मेन लीडर थे उसके, और यही बाबा साहब को आगे लाए थे। तो बाबा साहब की तो मॉरल जिम्मेदारी, नैतिक तो ये सबसे बड़ी थी कि उसी आंदोलन से वो निकल के आए थे, लेकिन वो मैं ये सोच सकता हूँ कि इतनी हेल्पलेसनेस उनकी रही होगी, जहाँ के कांग्रेस ने 3 मेंबर ही वहां तक पहुंचने दिए, और इस सवाल को अगर वहां मेंबर नहीं थे तो कांग्रेस की अगर नीयत ठीक होती तो उनके हितों का उठाया होता सवाल। ये जो चीज थी, जबकि रिजाइन किया था बाबा साहब ने, तो ये सवाल आया था कि बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन का, तो कालेलकर कमीशन जब बनाया था उससे भी ये बात साबित हो जाती है कि वो कभी संसद के पटल पे आने नहीं दिया, डिस्कस नहीं होने दिया उसको। तो ये मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा इस देश के बहुजन समाज के साथ किया गया है, और वो लोग जो कि अपने को पूरे देश का प्रतिनिधि मान रहे थे, उन्होंने ही ये धोखा किया है, अंग्रेजों ने नहीं किया मेरे ख्याल से। और ब्रिटिशर्स ने इस दृष्टि से मेरे ख्याल से सोचने की इसलिए भी उनके पास समय नहीं था, क्योंकि चीन में बहुत बड़ी क्रांति उस वक्त चल रही थी और पूरी ताकत लगा रखी थी अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, लेकिन कम्युनिज्म को वहाँ रोक नहीं पा रहे थे। और इंडिया में भी बड़ा हुआ था, सबसे बड़ी समस्या उनकी ये भी थी कि कहीं इंडिया में भी कम्युनिज्म ना आ जाए, तो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रायोरिटी ब्रिटिशर्स की ये थी कि इंडिया में कम्युनिज्म ना आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो बैकवर्ड क्लास के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके ऐतिहासिक कारण है, और इस पर हम लोगों को जरा गहराई से, मैं समझता हूँ, चर्चा करनी चाहिए। और कारण ये है कि 1848 में महात्मा फूले ने ये आंदोलन शुरू किया, और उसमें 1947 तक काफी लोग उस आंदोलन में, पेरियार जैसे बड़े दिग्गज लीडर थे जो कि झुकना जानते ही नहीं थे, बल्कि नेहरू जी ने तो पेरियार के लिए कह दिया था कि ये तो पागल हो गया, इसको पागल खाने में भेजना पड़ेगा। तो लेकिन पेरियार ने भी उस वक्त भी यही कहा था कि तमिलनाडु जलने लगेगा, जब आपको तो आप तो लीगल उसमें हैं, जो केस हुआ था रिजर्वेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये खारिज किया कि ये जो फंडामेंटल राइट नहीं है, दोराई राजन चंपक्कम के केस में, तो उस वक्त पेरियार जैसे लीडर थे जो कि संभाले हुए थे कमांड को। तो मुझे लगता है कि ये धोखा हुआ है तो ये कांग्रेस की तरफ से ज्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो उसका बेसिक करेक्टर जो था वही ब्राह्मणिकल करेक्टर था, उसका सवर्ण करेक्टर था, और दावा उनका ये था कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए मुझको तो ये लगता है कि जो आज जो सांप पाले हुए हैं सांप्रदायिक और जातिवाद के, ये इनके जो मूल पिता में है वो कांग्रेस वाले ही है। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब भी इस बात को स्वीकार किए थे और अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा भी है कि सबसे ज्यादा उन्होंने
अपने इस जीवन संघर्ष में अगर उनका विरोध किया गया है तो गांधी ने ही उनका विरोध किया और उसके जो सिपा सभाकार रहे हैं इन लोगों ने किया। बहरहाल मैं संतोष साहू जी के पास में फिर से दोबारा जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, अभी बृजेंद्र सिंह साहब ने जो अपनी बात रखी उससे आप कितना सहमत हैं और आपने अपने विचार जानकारी के अनुसार इस पर हम आपसे और विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, माननीय बृजेंद्र सिंह जी के द्वारा जो बात कहा गया, जैसा कि आपके द्वारा उनके बारे में मुझे जानकारी दी गई कि आप एक सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो ये बहुजन समाज मूल निवासी समाज के ऐसे प्रबुद्ध जन धरोहर हैं और आप लोगों के बौद्धिक संपदा से इस देश के लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। सवाल ये रहा कि कांग्रेस ओबीसी के साथ क्या किया, तो इसका उस समय 1920 तक कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख माननीय बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने साहू जी महाराज के द्वारा जो शूद्र अति शूद्र, जिसको हम बहुजन बोलते, उनके हितों को ध्यान रखने लगे हो, तो फर्स्ट इंडिया एक्ट जब भारत में आया और ये छानबीन चलने लगा कि भारत में एक प्रतिनिधित्व सरकार, उत्तरदायी सरकार का चुनाव करना है, जैसे ये बात उस समय बाल गंगाधर तिलक जी को लगा, उन्होंने साहू जी महाराज के रियासत के बाहर कर्नाटक और उनके रियासत के बीच में अथनी नाम का एक जगह है, वहां उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उनकी जो मंशा थी प्रतिनिधि सरकार को लेकर, उन्होंने साफ कहा कि क्या संसद, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो केसरी नामक अखबार में रिकॉर्ड में है कि क्या तेली तमोली कुनभटों को संसद में जाकर हल चलाना है, क्या संसद भूमि है। आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में कैसा सोच था। उनका कहना था क्या ये सब गाली शब्द है, तेली तंबोली कुनभट, ये सब गाली है, गाली दिए उन्होंने इन शब्दों के माध्यम से और स्पष्ट कहा कि इन्हें संसद में जाने की क्या जरूरत है। और ये बात उन्होंने बोला और उनके रिकॉर्ड में ये बातें आई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का जो पृष्ठभूमि है उसको शायद देश के लोग भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं। जब इसके बाद जब दूसरी बार आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ है लंदन में, वहां भी बहुत सारी बातें आई, वो भी ओबीसी के विरोध में ही आया। इसके बाद जब संविधान सभा चल रहा था, संविधान सभा में जो सामान्य हिंदू थे उसमें 213 सदस्य थे, 389 में 213 में 179 तो अपर कास्ट के लोग थे, और चर्चिल ने कहा भी था, वो कमेंट किया था, एक जाति संसद, ऐसा वो कमेंट है, रिकॉर्ड की बातें हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज ओबीसी शिक्षा में पिछड़ गया, भारतीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व में पिछड़ गया, न्यायपालिका में पिछड़ गया, मीडिया में बहुत इनका भागीदारी है, देश में आधा से ज्यादा संख्या आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पे, संख्या के अनुपात को छोड़िए मामूली 5-7% के नीचे है, तो इसका जड़ भारत के संविधान सभा में कांग्रेस, चूंकि उस समय देश का सर्वमान पार्टी था, वो जानबूझकर ओबीसी के प्रमुखों को टिकट नहीं दिए और लोग संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए। और हाँ, एक बात है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज महान क्यों हैं, वो अकेले ऐसे महामानव थे जो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ रहे थे, शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ रहे थे, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो मुस्लिमों तक से तालमेल बैठा के रखे थे ताकि भारत में न्याय पे आधारित व्यवस्था बनाया जा सके। यही वजह है कि आज
भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, हम ओबीसी के लिए, हमारे लिए उनको जानना तो जीवन मरण का सवाल है। ओबीसी शब्द ही उन्होंने पैदा किया, तो ये बात एकदम साफ है। कांग्रेस ही काका कालेलकर आयोग, बाबा साहब के का जो संवैधानिक जो अनुच्छेद है 340, भारत में दो तरह का कमीशन बनाया गया, एक संवैधानिक कमीशन है, एक प्रशासनिक कमीशन है। काका कालेलकर साहब के अध्यक्षता में जो आयोग था वो संवैधानिक आयोग था, उसके सिफारिश को भारत के संसद में जब रखा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काका साहब कालेलकर को ही उसके विरोध में लिखवा के ले लिया और उसको चर्चा तक होने नहीं दिया। तो ये कौन किया? कांग्रेस ही किया। अगर उस समय चर्चा हो गई होती तो आज इस देश का ऐसा जो परिस्थिति है दिखाई नहीं पड़ता। और एक बात मैं आगे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब को पता था कि इस देश में 7.5% अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी है, 7.5% के बाद 15% शेड्यूल कास्ट है, दोनों वर्ग को मिलाएंगे तो कुल 22.5 होंगे, 22.5%। इसके बाद इस देश का 52% ओबीसी है, अन्य पिछड़ी जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, आज वो जातियों में बटे हैं, इन जातियों का वर्ग बनाया गया अदर बैकवर्ड कास्ट। मूल शब्द कास्ट है पर बाद में उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्लास शब्द में कन्वर्ट कर दिए। आज ओबीसी के लोगों को पता नहीं चलता है कि ओबीसी क्या है, आप गांव गांव में सर्वे कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मंडल कमीशन को बहस होने नहीं दिए, लागू करने की बात छोड़िए, तो कांग्रेस का ही गवर्नमेंट था। जब जनता पार्टी की सरकार आई उस समय भी जब उसका छानबीन हुआ, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, फिर लागू नहीं हुआ, तो उस समय भी कांग्रेस का सरकार था। जब बीपीसीआई वीपी सिंह साहब उसको लागू भी किए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए, बाद में फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर कांग्रेस ही थे। तो कांग्रेस के द्वारा ओबीसी के साथ जो किया गया है वो इतिहास में दर्ज है, और उसको बहुत बारीकी से एक एक विषय के ऊपर जन चर्चा करनी थी, ये बहुत बड़ा बड़ा मामला है जी, मैं ऐसा सोचता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू साहब, आपने सारगर्भित बातों को रखा, क्योंकि आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हो रही है। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जैसा कि अभी आप साहू जी की बात को सुन रहे थे, और उनके इस तर्क से आप कितना सहमत हैं, और नई जानकारी के साथ हमारे इस जो महत्वपूर्ण चर्चा को ले आगे बढ़ाए और अपनी बात रखें। अगर मैं तो ये बात सुनकर के मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब का कितना कठिन काम रहा होगा, और किस तरह वो अकेले पड़ गए होंगे इनमें, उनकी स्थिति ऐसी रही होगी जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, चारों तरफ से घिरे हुए थे। तीन जिस ओबीसी के साथ में आज हम लोग कहते हैं कि वो चेतना नहीं है, उस चेतना को किस रूप में दबाया गया, आज मेरी ये भी समझ में आ रहा है कि लोकमान्य और जो बड़े बड़े टाइटल दिए जाते हैं महात्माओं के, लोकमान्य के, वो लोकमान्य जी का मानसिकता क्या होगी कि जो शब्द साहू जी ने बताए कि वो तेली तमोली, ये क्या हल जोतेंगे, ये क्या कपड़े से लेंगे, वहां ये मानसिकता थी। और हमको एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े महान कांग्रेस के नेता जो इस तरह की मानसिकता रखते थे, यही वो आदमी थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नफरत फैलाई थी, जो शिवाजी मेला लगा करके और गणपति मेला लगा करके, जो आज भी वो गणपति मेला एक समस्या बना हुआ है, एक सांप्रदायिक माहौल को इन लोगों ने खराब किया था, और आज वो राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता भी माने जाते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की ये बात है, एक जो मंडल जो कालेकर कमीशन में कहा आपने, उसमें गोविंद बल्लभ पंत वो जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, और नेहरू जी ने जो भी उसको रिपोर्ट का दबाया था उन्हीं के जरिए दबाया था, और वो राइट हैंड थे नेहरू जी के, और वही गोविंद बल्लभ पंत थे जो चीफ मिनिस्टर यूपी में उस वक्त रहे जबकि वो बाबरी मस्जिद का में मूर्तियां रखी गई थी। तो ये लोग जो राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय नेता हैं, एक और भी थे इसमें मदन मोहन मालवीय जी, जो कि 1927 में बाबू जगजीवन राम को ढूंढ के निकाला था उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर को अपोज करने के लिए वो ढूंढ करके बाकायदा यात्रा पर निकले थे और लेकर के उनको आए थे। तो
आप ये देखिए कि हमारा आंदोलन भले ही चल रहा हो 1848 से, इन लोगों की कितनी ज्यादा नजर रही होगी कि हमारा कोई भी लीडर अगर राइज कर रहा है तो कैसे उसको नेगेट किया जाए। उस मेरे ख्याल से हमारे लीडर्स में भी आज उसी दूरदृष्टि की आवश्यकता है कि अगर आप सोचिए, जब बाबा साहब ने कहा था एक चीज अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते रहते हैं, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी गांधी जी की और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो पूरी सीधे आर्य समाज से जुड़ी हुई थी, और आर्य समाज का वो उस वक्त रोल था जो आज आरएसएस का है। तो इन्हीं आर्य समाजियों ने बाबा साहब को फंसाने के लिए वो जो एक जात पात तोड़क मंडल बनाया था, ये आर्य समाजियों का ही बनाया हुआ था, और जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब को पंजाब में बुलाया। उसका भी कारण क्या हो सकता था कि गुरु नानक साहब के आंदोलन ने और क्रिश्चियन मूवमेंट वहां हो रहा था, तो दलितों में पिछड़ों में काफी जागृति पैदा हो रही थी और कन्वर्सन बहुत हो रहा था, और बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि भाई कन्वर्सन को मैं पैदा हुआ हूं, मरूंगा नहीं हिंदू। तो मुझे लगता है कि वो आर्य समाजियों ने जब ये बुलाया तो उस खास पोर्शन को उन्होंने काटने के लिए जोर डाला बाबा साहब, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू ऐसा नहीं मैं मानता कि वो पैदाइशी बदमाश होता है, उसके शास्त्रों ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट की है। तो जब तक ये शास्त्रों में जो छुआछूत जातिवाद जो फैलाया गया है उन पोर्शंस को जब तक नहीं हटाया जाता, आप हिंदुओं की शुद्धि नहीं कर सकते, हर समाज जिस तरह से सोच रहा है। तो देखिए, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि मुझे तो संविधान के बारे में इतनी गहराई से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक मोटी जानकारी मुझे है कि कितना कठिन काम बाबा साहब कर रहा होगा, अकेले उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी, करीब 80-85% को, और वहां संविधान सभा में ले दे करके कुछ चार आदमी थे, और चार में भी तीन आदमी ये कह रहे हैं कि साहब हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो कितनी के ऐतिहासिक कारण है हम लोगों में जो चेतना ना आने के। मगर आज जो आरक्षण की वजह से, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया है, चाहे भले ही वो अब आरक्षण खत्म कर रहे हों ये, लेकिन वो मध्यम वर्ग है, उसको उसका आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमको उपयोग करना चाहिए, वरना ये फसल भी खत्म होने जा रही है। तो संविधान की जो स्पिरिट है, जो कल बात हो रही थी, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, वो तो बात ना, वो सब जस्टिस में आ जाता है। तो जो उस स्पिरिट को बचाने, कौन बचाएगा? वो लोग तो नहीं बचाएंगे जिन्होंने कि इसको 100 पीस बना रखा है संविधान को। बचाना तो उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो इसके शिकार हैं, जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है। और विक्टिम ऑफ द सिस्टम कौन है? क्लियरली एज ए वर्ग के रूप में एससी एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड। एक चीज का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि हर वर्ग में, चाहे ये भले ही 5 वर्ग बांट दिए हों, हर वर्ग में कुछ एजेंट दलाल एक्सप्लोइटर टाइप के क्लासेस हुआ करते हैं, ऐसे आपको ब्राह्मणों में भी मिल जाएंगे। तो जब आपकी लीडरशिप है वो कास्ट के नाम पर या उसके नाम पर इस किस्म के लोगों से जो एजेंट का रोल करते हैं, जिसके लिए बाकायदा इज्जत दे करके लाते हैं, मालवीय जी लेके आए थे बाबू जगजीवन राम जी को, और बाबू जगजीवन राम जी का एक ही काम था कि जहां बाबा साहब जाते थे उनके पीछे पीछे वो उसको अपोज करने के लिए कांग्रेस उनको भेजती थी, ये रोल उनको दे रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कहने का कि उनकी हमदर्दी नहीं होगी, हमदर्दी बहुत रही होगी, बाबू जगजीवन बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, और ये माना जाता है कि हीरे से हीरा काटा जाता है, तो कोई हीरा कोई कांग्रेस लेके दलितों के बीच में आई होगी, मगर वो भी कितना अपने को हेल्पलेस महसूस करते होंगे। तो ये चीज है, संविधान पे हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली रुकता मामला वहीं आकर के है कि न्याय कैसे मिले, और ये न्याय सीधा सामाजिक न्याय का सीधा संबंध आर्थिक न्याय से भी है, जिसको कि हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे साहू जी जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये हम लोगों को मार्गदर्शन करें, कुछ इस चीजें आगे बढ़नी चाहिए। बहुत आपने, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ऐसे लोगों को ला रहे हैं। मेरा एक सजेशन बस यही है कि कम से कम 50 आदमी ऐसे ढूंढे जाएं
और उसमें से 5 या 7 आदमी निकाले जाएं जिनकी रेगुलर इस तरह से मीटिंग हो, तो चीजें मेरे ख्याल से बेनिफिट समाज को बहुत मिलेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिजन सिंह साहब, आपने जो महत्वपूर्ण और जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के जो हमारे देखने सुनने वालों को जो बात रखी है। मैं संतोष साहू जी, जो बिजन सिंह साहब ने जो इंडिकेट किया है उन्हीं के विचारों को लेकर मैं आपके पास फिर जाऊंगा, क्योंकि आज हम बहुत ही उम्दा सवालों को लेकर और जीनियस बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो बृजन सिंह साहब ने जो बात रखी है उसको आप कितना तार्किक समझते हैं और हमारे देखने सुनने वाले को विचार को लेकर और बात करना चाहता हूँ। हमारे पास नेट बहुत कमजोर हो गया है, शायद की खराबी होगा, शायद मेरी आवाज पूरा ना हो, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संविधान की आवाज आ रही है, बोले 389 सदस्य में महिलाएं 15 थे, संविधान सभा सदस्य 15 भारतीय महिला प्रतिनिधित्व की है, उसमें 1 मुस्लिम महिला है। दूसरी बात की एक बात आता है कि 5 वर्ग में बांट दिया गया जी। साहू जी मेरे ख्याल से नेटवर्क आपका खराब हो गया लगता है। नहीं आवाज तो आ रही है। जाति उपजाति में बटे हुए लोगों को 5 ग्रुप में 5 वर्ग में भारत में इकट्ठा किया गया, और ये कार्य बखूबी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी किए, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है कि हम हजारों और जाति हजारों उपजाति लगभग 74,000-75,000 जाति और उपजाति में बटे हुए लोगों को 5 वर्ग में लाके इस देश को जोड़ने का कार्य किए, समाज को जोड़ने का कार्य अगर भारत में हजारों साल के बाद गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा कोई कोशिश किया तो वो है भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। साहू जी का मेरे ख्याल से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है मेरे को लगता है। तो बृजन सिंह साहब, मैं दोबारा आपके पास फिर जाऊंगा चर्चा के लिए, क्योंकि जो साहू जी की कनेक्शन मेरे ख्याल से नेट मौसम के कारण खराब हो गई है। मेरे आवाज तो आ रही है, उनकी आवाज तो आ रही है क्लियर। नहीं अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है। तो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी विचार को और विस्तार दें। हाँ बात देखिए, ये चीजें जो भी आज डिस्कस हो रही हैं इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे लीडर्स के सामने जो जेन्युइन लीडर थे कितनी भयानक समस्याएं रही होंगी, कितनी किस तरह वो घिरे हुए थे चारों तरफ से उस जातिवादी व्यवस्था से। हालांकि उस वक्त ये था कि जो हमारे हमारा शोषण करने वाले जो लोग थे वो खुद भी गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस वक्त कम से कम अंग्रेज बैलेंस मेंटेन करता था और वो लोग ही सत्ता किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहते थे, अपने को सेकुलर घोषित करके, अपने को सबसे बड़े सोशलिस्ट लोकतांत्रिक। लेकिन जब एक बार सत्ता में आ गए तो उन्होंने कितनी ईमानदारी से समाजवाद को, लोकतंत्र को, सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को कितना आगे बढ़ाया है ये तो सारा संसार दुनिया देख रही है। अगर मेरे ख्याल से आज जो ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है जो कि संविधान की एकदम विरोधी है, संविधान के विरोधी नहीं है, लोकतंत्र की दुश्मन है, उनको इस तरह से सत्ता में आने का मौका ना मिला होता अगर उन्होंने ईमानदारी से, वो लोग जो सत्ता में अंग्रेजों के जाने के बाद आकर आए और करी करी एक ही फैमिली रही है आधे से ज्यादा समय तक। तो अब हमारा हम लोगों की दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ अशिक्षा और गरीबी इतनी ज्यादा है कि उनको शिक्षा उनको एक चेतना की कमी है। उन लोगों ने हमारे लोगों ने ये मान लिया कि संविधान अब तो हमारे पिताजी ने लिख दिया है बाबा साहब ने, अब हमारे अधिकार बिल्कुल सुरक्षित हैं, मगर वो अधिकार तो सुरक्षित नहीं थे, एक तरह से धोखा हुआ है। और समाजवाद के नाम पर सांप्रदायिक जातिवादी शक्तियां वो आज हावी हैं। अब सबसे बड़ा समस्या इस वक्त यह है कि इसको संविधान को बचाया कैसे जाए इन ताकतों से, और इसको बचाया जा सकता है
बिना सही चेतना उठाए बिना, क्योंकि देखिए 90% है आप, अगर आप 10-20% भी सचेत पैदा लोग कर देते हैं तो ये लोग दुम दबा करके भाग जाएंगे, कूद पड़ेंगे हिंद महासागर में। ये सिर्फ हमारी हमारी अशिक्षा, हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता का लाभ उठा रहे हैं। संविधान हमें कितना न्याय दे पाया है ये तो निश्चित है कि जो अपेक्षा की थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक चेतना आज काफी है। आज 200 से ऊपर मेरे ख्याल से ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आज आज वो जो पढ़ाई लिखाई है वो भी आगे बढ़ रही है, तो एक आशा की किरण है हमारे लिए। इसको इसमें संविधान में जो भी जो बनाते वक्त मुझे तो ये बताया गया था, मैंने पढ़ा था कि 5 आदमी नेहरू जी ने लगा रखे थे, एक एक अनुच्छेद जब पास होता था तो उसके लिए के एम मुंशी टाइप के लोग, आयंगर, ऐसे बड़े बड़े लोग लगा रखे थे कि जो कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी मर्जी से दाएं बाएं नहीं हो सकते थे। यानी हमको तो ये बताया गया था कि नेहरू जी ने किया हो या पटेल के जरिए कराया हो, ये दबाव बाबा साहब पर डाला गया कि ये आरक्षण के मुद्दे को वापस ले लें, इस पर ज्यादा जोर न दें। और इसको के एम मुंशी को भेजा गया बाबा साहब अम्बेडकर के पास के साहब इसको आप इशू मत बनाइए, अभी आप ये तो तमाम और लोग भी मांगने लगेंगे आरक्षण। तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने उस वक्त ये कहा था कि देखिए मेरा राजनीति कोई मतलब नहीं रह जाता, कि मैं अगर जिस उद्देश्य सामाजिक न्याय के उद्देश्य से मैं इस राजनीति में आया हूँ, अगर वो काम नहीं करूं, आप बेटर ये है आपने मुझे संविधान का इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन बनाया है, बेटर ये है मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए, मुझे सिर्फ नजर बट्टू बना करके जो आप रखना चाह रहे हैं ये इरादा आप छोड़ दीजिए, मेरे रहते हुए नहीं हो सकता। तो अगर इतनी सख्त बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सख्त दृष्टि नहीं अपनाई होती तो मेरे ख्याल से इनकी मजबूरी भी ये थी कि अगर वो रिजाइन करा देते तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ये संविधान सभा नहीं है, ये हिंदू महासभा है और इसमें वही सवर्ण लोग हैं, इसमें आम जनता का जो लोकतंत्र आप देने जा रहे हैं उस लोकतंत्र की रखवाली करने वाला, उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला वहां है कौन? तो एक कारण ये भी था बाबा साहब को साथ रखने का, उनकी योग्यता में तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता, लेकिन एक ये भी कारण था कि उनको बाबा साहब को आगे ला करके वो हमारे अधिकारों से हमको वंचित करने का जो षड्यंत्र रहा है वो उनके इरादे छोड़े नहीं थे उन्होंने, जो आगे चल करके इतिहास बताता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये तो गहराई से आप लोग बता ही रहे हैं, ये है कि जो मकसद है उद्देश्य है संविधान का, आम जनता को, गरीब आदमी को, गांव का जो अंतिम छोर पे आदमी रह रहा है उसके साथ उसको सम्मान पूर्वक, अब तो 70 साल से ऊपर हो गए हैं आजादी को, किस तरह से सिर उठा करके वो जिए और किस तरह से जो बुनियादी जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे कि बंटवारा कर दीजिए आप, यानी जो विषमताएं हैं आर्थिक विषमताएं आसमान को छू रही हैं, एक आदमी को रोटी खाने को नहीं है, तो कम से कम हमारा जो आंदोलन ये होना चाहिए जो काशीराम ने नारा दिया था कि धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान, तो शिक्षा रोजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, ये हर आदमी का इस लोकतंत्र में ही नहीं ये मानवता का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये हमारा संविधान अगर नहीं दे पाया तो हमको आंदोलन खड़ा करना चाहिए, मगर इस पर समझौता नहीं करना चाहिए, इसके बड़े भयानक परिणाम होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज वो शक्तियां आपके संविधान उनके कब्जे में आ गया है जिनका कभी संविधान में यकीन नहीं रहा, तो ये खतरा पैदा हो गया। अगर लोग ये सवाल उठाते हैं कि अब संविधान खतरे में है तो ये कोई गलत नहीं उठाते, संविधान को बचाना जिम्मेदारी उन्हीं वर्गों की है जिनको न्याय का वायदा किया गया। जी, बहुत ही शुक्रिया सर। हम लोगों का जो नेटवर्क है, क्योंकि अभी आंधी तूफान चल रहा है और साहू जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और मेरे यहाँ भी लाइट गोल हो गया है, मैं अभी रेले हूँ। हमारे साथ मोनू जी कोई आ रहे हैं, मोनू जी अपनी कैमरा ऑन करें और अपना परिचय दें, कहाँ से कैमरा ऑन है सर? सर लाइट नहीं है, मैं
अच्छा चलो आप अपनी बात रखें, क्योंकि आज हम संविधान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अभी आप हमारे जो खास मेहमान थे बृजिंद्र पाल सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश आगरा के निवासी हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी इस तर्क से आप कितना सहमत है, अपने विचार रखें, अपना परिचय दें। मेरा नाम मोनू परिहार, मैं राजस्थान सूरतगढ़ से इंडिया से हूँ और मैं उनकी बात से पूरा एग्री हूँ। तो आप अपनी इस संविधान के संदर्भ में जो अपनी चर्चा हो रही है, इस संविधान सभा की जो मूल जो स्रोत है, उसकी प्रस्तावना है, उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में आप अपना कुछ विचार रखें। मैंने तो अभी इनका ओपिनियन सुना था, अभी आम इंसान का यही मतलब अधिकार है, भी रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा उनको संपूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। जी उससे कोई जाति धर्म नहीं है, वो हर इंसान को होना चाहिए, बिना उसके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता आदमी। हाँ, अगर ह्यूमन पर्सनालिटी को कुचलने से बचाना है तो ये बुनियादी जरूरतें उसकी पूरी करनी पड़ेगी। जी जी, और संविधान की भावना यही है, संविधान की भावना यही है कि ये बुनियादी चीजें हर नागरिक को, जन जन को उपलब्ध हो। हाँ जी मोनू जी, आप अपनी परिचय बताएं, आप कहां से जुड़ रही हैं। फिलहाल हम लोग अपने इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का मौसम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत शायद नहीं दे रहा है। तो अपनी बात को रखें, अपनी परिचय बताते हुए मोनू जी। मेरा नाम मोनू परियार, सूरतगढ़ राजस्थान से इंडिया से हूँ जी। वीडियो काम करने लगा? वीडियो क्या, मैंने ये फोन कट और ऑन किया है, आज दिक्कत है। बहरहाल हम आज के इस विषय पर जो जुड़े हुए मेहमान थे, संतोष साहू साहब, बृजिंद पाल सिंह जी, मोनू जी, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगले सेशन में हम फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और संविधान की इस विस्तृत चर्चा को लेकर आगे हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भाई साहब मानवता चैनल से जुड़े रहे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।